जो कोई प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देगा वे सब बच जाएंगे। प्रभु यीशु हम विश्वास के साथ प्रेम से आपके नाम को लेने में लज्जा नहीं करते हैं। भरी सभा में लोगों के बीच में मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपका नाम लेने में लज्जा नहीं करूंगा। वायदे के अनुसार पिता के सामने मेरे नाम को भी लेना जब आप अपनी महिमा में अपने राज्य की महिमा में पुनः प्रकट होंगे। ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारे प्रभु यीशु, जो मेरे पापों के कारण मरा, तीसरे दिन जी उठा, पिता के दाहिने विराजमान है, उस प्रभु यीशु के मीठा और सामर्थ्यवान नाम पर बोलिए आमीन। काफी नहीं है, जोर से आमीन। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे। और एक बार प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, उसके वचन में शक्ति है, उसके नाम की जो भी दुहाई देगा ये सब बच जाएंगे, पाप से, विपत्ति से, दुर्घटना से, बीमारी से, विषैले जीव जंतुओं से सब बचेंगे। यीशु के नाम को पूरा पूरा अधिकार है। नाम लेने वालों के साथ काम होता है, उसका काम। हालेलुया, मेरे नाम से कुछ मांगोगे पिता तुम्हें जरूर देगा, इसलिए हम यीशु के नाम पे मांगते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोलिए सब कुछ यीशु के नाम पे, सब कुछ। हाँ, बाइबल कहता है कलोसियों के अध्याय 1:15-16, वो अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है, समस्त सृष्टि का पहला उठा है, उसके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई, सब कुछ चाहे दृश्य हो या अदृश्य, चाहे संसार में हो या देवदूतों की श्रेणियां भी हो, सब कुछ उसके द्वारा आया, उसके लिए आया, सब उसके लिए है। सब किसके लिए है? यीशु के लिए। वचन कहता है सब कुछ पिता ने उसके नाम पे रखा। कहा रखा? यीशु के नाम पे। पिता ने सब कुछ कहा रखा? यीशु के नाम पे रखा। लेकिन आपका घर किसके नाम पे है? वो हमारे नाम पे, कागज तो हमारे नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी किसके नाम पे? गाड़ी भी हमारे नाम पे। जमीन 3 बीघा उधर का वो उसके नाम पे, वहां वो पत्नी के नाम पे। हमारे नाम पे जब तक नहीं मिलेगा सुकून नहीं आता है। हमारे नाम पे करने के लिए कितना झगड़ा करके हमारे नाम पे हो गया। बोले हालेलुया। कागज तो हमें कई लोगों के नाम पे है, लेकिन ओरिजिनल जो है उसके नाम पे। हमारा सारा कागज आज नहीं तो कल कीड़ा खाएगा, नष्ट होगा। उसके नाम पे सब कुछ बना रहता है। पिता ने सब कुछ उसके नाम पे रखा। मत्ती का 28 में अध्याय वचन 20 में यहां पर लिखा, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। उसके ठीक पहले एक और वचन प्रभु बोला था, वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। 28 वचन 18 तब ईसा ने उनके पास आकर कहा,
मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। बोलिए यीशु ने कहा। अच्छा से बोलना, जब भी मैं आपको कुछ कहने के लिए बोलूंगा ना, वचन कहने के लिए बोलता हूं, तो अच्छा से बोलना। वचन जब बोलेंगे ना, बढ़िया बोलना। बाकी कुछ कथा बोलता समय थोड़ा सा धीरे बोल सकता है, या आप दूसरा कुछ भी बोलते समय अपनी मर्जी से बोल सकता है, अपने स्टाइल में बोल सकता है, लेकिन वचन ना यीशु के स्टाइल में बोलना है, ऊंचे स्वर में सुनाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन जब पढ़ेंगे आप जोर से दोहराएंगे, हमको आशीर्वाद मिलता है। वचन में आशीर्वाद है, इसलिए वचन को जोर से बोलना पड़ता है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। इसलिए वचन कहता है, मेरे साथ दोहराई, इसलिए प्रभु ने कहा मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आपको मेरे ऊपर अधिकार है, मेरी बीमारी के ऊपर अधिकार है, मुझे चंगा करने का अधिकार है, मुझे अच्छा करने का अधिकार है। हमें अच्छा करने का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। वो अधिकार हमारे पास नहीं है, अधिकार प्रभु के पास है। कोई भी आदमी छोटी सी बुरी आदत से भी अपने से नहीं बच सकता। कोई बोलता है मैं कल से नहीं पीऊंगा, बोलता है नहीं पिएगा, फिर पिएगा, क्योंकि अपने से आप कोई भी बुरी आदत से बाहर नहीं आ सकता। यीशु के अधिकार को स्वीकार करना है, तब जाके वो अधिकार हमको मिलेगा। पत्नी डांटने से पति नशा बंद करेगा? कितने पत्नियां जब से शादी की तब से डांटना शुरू किया, अभी बूढ़ी हो गई अभी भी डांटती है, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आया, केवल बिगड़ा ज्यादा। हालेलुया। डांट फटकार में बचाने की शक्ति नहीं है, बचाने का अधिकार डांट गुस्सा उसमें नहीं है, गुस्से में बिगाड़ने का अधिकार है। हालेलुया। नष्ट करने का अधिकार है, डांट और गुस्सा में बचाने की शक्ति नहीं है, बचाने का अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए डांटने से बच्चा बदलेगा? नहीं बदलेगा। यीशु के अधिकार को आप दावा करो। यीशु के अधिकार कैसे आप घर में पहुंचा सकता है? प्रेम, क्षमा, दया, आनंद, वचन दोहराना, प्रार्थना करना, इसके द्वारा यीशु का अधिकार आपको मिल जाएगा। लेकिन डांटने से किसका अधिकार? शत्रु शैतान का अधिकार गुस्सा के द्वारा आ जाता है। उसका क्या अधिकार है? चोरी करने का, चुराने का, मारने का, नष्ट करने का अधिकार उसके पास है। किसके पास? शैतान के पास है, पाप के पास है। पाप के द्वारा शैतान अपना अधिकार इस्तेमाल करता है, शुरू से ऐसा है। पाप के द्वारा शैतान का अधिकार दुनिया में आ जाती है, उसका अधिकार। योहन 10:10 में यीशु ने बोला, मैं तो बचाने आता हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, भरपूर जीवन मिले। लेकिन वो जो आता है चोर है, वो चुराने मारने केवल नष्ट करने आता है। हालेलुया। इसलिए जब कोई बुराई करता है, घर में कोई बुराई करता है, यदि आप गुस्सा करता है तो बुराई कम होगी, खत्म होगी, या बुराई बढ़ेगी? बोलिए तो बुराई बढ़ती है। बोलिए हालेलुया। इसलिए जब जीवन साथी की कमजोरी पे आत्मी औरत कोई भी गुस्सा करके रहते हैं, तो उनकी बुराई कम होने के लिए तो आप गुस्सा करता है, धमकी देता है। लेकिन हम लोग बहुत बड़े धोखा खाते हैं, हम लोग बुराई को बुराई के द्वारा
खत्म करना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब कोई हमको सताते हैं, तकलीफ देता है, तो हमारे अंदर से और बुराई निकलता है, गुस्सा क्रोध निकलता है। हम क्या करते हैं, बुराई को बुराई के द्वारा नष्ट करना चाहते हैं। होगा नहीं होगा? बुराई को भलाई के द्वारा नष्ट करनी चाहिए। वो भलाई है यीशु, प्रेम है वो, सत्य है वो, दया है वो किसी पे चिल्लाता नहीं है। बाजारों में उनकी चिल्लाने की आवाज आप नहीं सुनेंगे। बोली हालेलुया। वो कुचला हुआ सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, धुआती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। कुचला हुआ सरकंडा, कुछ लोग सरकंडा की तरह कुचला हुआ है। सरकंडा एक प्लांट है, एक पौधा है, बेकार है, बिना काम का है, एकदम हल्का, एकदम बेकार, एक प्रकार का रीढ़ जो बोलता है, पानी वाले जगह में वो क्या आता है, एक हवा चले या कुछ भी हो जाए तुरंत वो पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं। उसका डंडा शक्ति नहीं, उस पर क्षीण है और एकदम एकदम दुर्बल है। इसलिए कुचला हुआ भी हो गया, दुर्बल है ऑलरेडी, तो कुचला भी हुआ है तो एकदम बेकार। दुर्बल है अभी तो, कुचला भी हुआ है। बोले हालेलुया। पहले से दुर्बल है, अभी पैरालिसिस भी हो गया तो क्या हुआ? बोले हालेलुया। तो ऐसा कुचला हुआ सरकंडा है, तो आदमी क्या बोलेगा, ये कुचला हुआ सरकंडा अभी बेकार, किसी काम का नहीं है, तोड़ के फेंक देना। नॉर्मल चीज जो है, कुचला हुआ सरकंडा को काट कर फेंकना चाहिए। लेकिन प्रभु कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा। हमें कई लोग है कुचला हुआ सरकंडा, ऑलरेडी पहले से लेसी है, बचपन से लेसीनेस है, अभी मोबाइल भी मिल गया, पहले तो लेजी था, अभी तो मोबाइल फोन भी मिल गया, स्मार्टफोन, तो और दुर्बल हो गया, कुचला हुआ हो गया। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो ऐसा पड़ा हुआ घर में रहता है, हमेशा मोबाइल पे दबा कर रहता है, मम्मी को देखने से इतना गुस्सा, कोई काम में नहीं आता है, बेटा थोड़ा सा पानी लेके आओ बोलने से, बाद में लाएगा बोलता है। बोले हल्लेलुया। उतनी भलाई अभी भी उसमें है, वो नहीं करेगा नहीं बोलता है, बाद में करेगा बोलता है। हालेलुया। बेटी उठो 8 बज गया बोलता है, और थोड़ा बाद में उठेगी तो बोले तो बोलती है बाद में उठेगी। हालेलुया। तो ये है कुचला हुआ सरकंडा, हमको मन करता है इसको उठा के फेंक दे। हालेलुया। इसलिए मम्मी गुस्से में आके कुछ बोल देती है या पानी फेंक देते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ने वाला यीशु है, उसके अधिकार को घर में लाना है, उस पर भी तरस खाना, कुचला हुआ सरकंडा पे यीशु के नाम पे दया करना, गुस्सा नहीं करना। कुचला हुआ सरकंडा अनेक लोगों में गुस्सा पैदा करती है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। इनको देख के हमको अच्छा नहीं लगता, कोई काम में मदद ही नहीं करता, ऐसा बैठा रहता है घर में। कुछ लोग ऐसा कुचला हुआ सरकंडा, कुछ पति लोग ऐसा है, एक बर्तन भी धोने में मदद नहीं करेगा। बर्तन धोने की तो चीज छोड़ो, ओ खाना खाने के बाद वो बर्तन कम से कम धोने की जगह में तो पहुंचाओ, वो भी नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। यहां तक की बोलता है कभी पानी इधर लाओ, हाथ थोड़ा सा धोएगा, पानी उधर पहुंचाना पड़ता है, ऐसा सिस्टम की इंतजार करता है, मेरा हाथ थोड़ा ले जाकर धो के आओ, ऐसा वो भी आएगा, उठ नहीं पाता है क्योंकि हम तो बिजी है। हालेलुया। तो ऐसे कुचला हुआ सरकंडा अनेक पत्नियों की नींद खराब कर देते हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर रखा है। कुचला हुआ सरकंडा घर में एक दिन नहीं है ना, बैठा हुआ है काफी दिन से। हालेलुया। तो
इनको इनकी सत निपटा के क्या करेगा घर में। इधर कई लोग रिट्रीट में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में जाके सेम कुचला हुआ सरकंडा दिखाई देगा तो सारा आशीर्वाद चला जाता है। ऐसा हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। और कुछ है आगे वचन कहता है, वो धुआती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। ये कुछ दूसरा चीज है, धुआती हुई बत्ती है। तेल जब खत्म होती है बत्ती पे तो दो प्रकार की चीजें निकलती हैं उसमें से, एक क्र 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 करके एक आवाज आता है, एक धुआं ज्यादा निकलता है, इसको धुआती हुई बत्ती बोलता है। नॉर्मली स्पीकिंग सोसाइटी का नियम ऐसा है, धुआती हुई बत्ती अच्छा नहीं है, जल्दी बुझाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा साइन नहीं है। धुआती हुई बत्ती को जल्दी बुझाना बचपन से कई लोगों ने सीखे, बोले हल्लेलुया, क्योंकि धुआती हुई बत्ती डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बिंग पीपल के लिए खड़े होता है। ये क्या है, दो चीजें हमेशा कर कर करके एक आवाज आते हैं, एक है धुआं धुआं आता है। बोले हल्लेलुया, कुछ लोग ऐसा है डिस्टर्बिंग पीपल, पहले क्या था लेसी पीपल बेकार, अभी ये क्या है डिस्टर्बिंग है, कुछ भी हम करेगा ये कुछ कुछ बोलता रहेगा, सीधा थोड़ा चलेगा तो बोलता है घमंडी, इतना सीधा चलता है बोलता है, तो थोड़ा सा झुक कर चलेगा तो सीधा चलना नहीं आता, क्या झुक झुक जा चलता बोलता है, कुछ भी करेगा तो इन लोग कुछ कुछ बोलता रहे। घर में कुछ लोग ऐसा है, कोई भी कार्य करे, भला करे बुरा करे, ये कुछ कमंड पास करेगा, दुआ है, और कर 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 बोलता रहेगा, चुप कभी नहीं रहेगा, भुनभुनाते रहेगा, डिस्टर्बिंग पीपल है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ये सारे जगह में, घर में भी मिलेंगे, कम्युनिटी में भी मिलेंगे, सारे वैसा है। पूरी रात कल फीस्ट है, सुबह बड़े मीसा के लिए रात में कुछ लोग बैठ के पूरा डेकोरेशन वगैरह सब किया, तब वो अच्छा से सो रही थी, बढ़िया से। सुबह सब लोग आकर बैठा तो ये आए, तब एक फूल उधर से उठा के इधर को रखा। रात तो भर कोई काम कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे, तब दिखाई नहीं दिया, सुबह सब आने के बाद थोड़ा सा फाइनल टच ये देता है। इनको देखने से कुछ लोगों, बाकी लोग जो रात भर काम किया उनके सारा अभिषेक मिसा के लिए चला जाता है। ऐसा है, ओ है, ओ यार, ये धुआती हुई बत्ती है, ऐसा है, डिस्टर्बिंग भी बड़ा समर्द है। तो उनको देख के हमको गुस्सा नहीं आनी चाहिए सर, कुचला हुआ अब धुआती हुई बत्ती को नहीं बुझाना, उन पर भी तरस खाना, क्योंकि वो जल्दी बुझ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, एक्स्ट्रा केयर देना है ऐसे लोगों को, एक्स्ट्रा केयर। से हालेलुया, ऐसी कृपा प्रभु हम लोगों को देना चाहता है। प्रभु के रास्ते से कार्य करने से उनके ऊपर प्रभु का अधिकार आ जाएगा, दया, इसको बोलता है कंपैशन, स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। इस तरह करने से प्रभु की दया उन लोगों पे आ जाता, प्रभु का अधिकार हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आजकल क्या होते हैं, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं मेरे को गुस्सा यूं ही नहीं आता है, फादर जी गुस्सा इसलिए आता है, कुछ लोगों का कार्य ऐसा है, घर में कुछ लोग ऐसे हैं, आप भी आकर थोड़ा सा एक घंटा रहेगा आपको समझ में आएगा, बोलना तो आसान है, इनके साथ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमको बहुत गुस्सा आता है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। लेकिन अंतरतम में यीशु जब आ जाएगा गुस्सा नहीं आएगा, जो अंदर आता है वो बाहर, अंदर रहता है वो बाहर आता है। प्रभु ने कहा जो आपके अंदर है वो मुंह के द्वारा बाहर आएगा, वो आत्मी को अशुद्ध करता है, जो बाहर से आता है वो नहीं, वो दूसरे लोग नहीं आपको अशुद्ध करता है, अंतरतम में कोई बैठा है वो बाहर आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमको गुस्सा अंदर बिल्कुल नहीं है, ये लोगों को देख के केवल गुस्सा आता है। से हालेलुया, ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए क्या हुआ,
कि मैं चाय पी रहा था। क्या पी रहा था? तो मैं चाय ऐसे पी रहा था तो कोई आके हमको धक्का दिया, धक्का दिया तो क्या नीचे गिर गया, चाय नीचे गिर गया। क्यों चाय नीचे गिर गया? धक्का दिया। हम बोलते हैं आदमी ने धक्का दिया इसलिए चाय गिरा। नहीं, चाय इसलिए गिरा कि कप के अंदर चाय थी इसलिए चाय गिरा। अगर कॉफी होता तो कॉफी गिरता। हालेलुया। अगर पानी होता तो पानी गिरता। जो अंदर है वही चीज गिरेगा। धक्का देने वाले तो आता ही रहेगा, वो अंत तक होगा, लेकिन क्या गिरता है वो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। बोले हालेलुया। कोई आकर धक्का दिया, मेरे अंदर से गुस्सा निकला। क्यों गुस्सा निकला? वो धक्का दिया इसलिए नहीं, बल्कि अंदर गुस्सा भर के बैठा था। इसलिए जब कोई धक्का दिया तो गुस्सा आया, अंदर प्यार होता तो प्यार आता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश तो सहना ही पड़ेगा, बट बी ऑफ गुड चीयर, बी ऑफ गुड चीयर। इंग्लिश में ऐसा है, बी ऑफ गुड चीयर, खुश रहना। मैंने संसार पर अधिकार पा लिया, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। इसलिए संसार में क्लेश सहना पड़ेगा, उस समय हिम्मत नहीं हारना, गुस्से में नहीं आना। एक स्पंज, स्पंज समझता है, स्पंज, स्पंज, स्पंज। तो मैंने स्पंज देखा तो उसको ऐसा दबाया, स्क्वीज्ड, तो उसके अंदर से पूरा काला काला स्याही निकल के आया, बाहर आया काला इंग। क्यों क्यों काला इंग बाहर आया? इसके अंदर काला स्याही भरा हुआ था, जब मैंने दबाया तो काला चीज अंदर आ गया। दूसरा एक स्पंज इधर देखा, उसको दबाया तो अच्छा पानी बाहर आया। क्यों अच्छा पानी बाहर आया? इसके अंदर अच्छा पानी भरा हुआ था। हालेलुया। दबाने वाला, स्क्वीज करने वाला तो आएगा ही, परेशानी के रूप में, तकलीफ के रूप में, पति के रूप में, पीने वाला पति के रूप में, बातूनी पत्नी के रूप में, झगड़ालू लड़कों के रूप में, ये स्क्वीज करने वाला, ये दबाने वाला तो आ जाएगा, दबाएगा। लाइफ हमको दबाएगा, बार बार दबाएगा, कोई कोई आकर हमको दबाएगा, उस समय जो अंदर है वो बाहर आएगा। हालेलुया। सारे लोगों ने यीशु को दबाया, उनको तोड़ मरोड़ दिया, सूली पे दबा दबा के उनके अंदर से जान निकाल दिया दबा के। बोले हालेलुया। क्या बाहर आए? उनके मुंह से एक बुरा शब्द भी बाहर नहीं आया, बल्कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। क्या बाहर आया? प्यार, क्षमा, प्रार्थना बाहर आया, क्योंकि वही तो भरा हुआ था, वो बाहर आया। हालेलुया। जब आपको पति सताते हैं, पत्नी या बच्चे या पड़ोसी या कुछ ईर्ष्यालु पड़ोसी है, हमेशा ईर्ष्या करता है, हमेशा हमारे ऊपर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, या आपका झगड़ालू भैया है, या थोड़ी सी जमीन के लिए बहुत झगड़ने वाला आपके अपने ही लोग है, उन लोग आपको सताते समय, दबाते समय आपके अंदर से क्या बाहर आता है, यही प्रश्न है। कई लोग गुस्से में आकर बोलता, मरूंगा तो मरूंगा पर मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसने मेरा सगा भाई होने के बावजूद क्या किया, औरों ने भी ऐसा नहीं किया मेरे साथ, ये अपने लोग किया, इसलिए ऐसा कोई मेरे लिए है नहीं, मर गया, मैंने डिक्लेयर किया वो मर गया। मेरे अंदर से क्या बाहर आया? मर्डर, मैंने मार डाला। इसलिए बाइबल कहता है जो अपने भाई या बहन से घृणा करता है वो हत्यारा है, उसमें जीवन नहीं है। जब किसी भी कार्य से,
चाहे वो कितना भी आपको दबाए, कितना भी गंदगी उसके अंदर है, उनके अंदर कितनी भी बुराई रहे, जब वो आपको जब सताएंगे उनकी बुराई के कारण, भाई या बहन घर में आकर इतना तकलीफ देंगे, उस समय हम एकदम मर जाना अच्छा है, या इनको इनके ऊपर आग लगना चाहिए, या कहीं सांप कटकर मरना चाहिए। कितने लोग गाड़ी में दुर्घटना होकर मर जाता, इधर तो कुछ होता ही नहीं है करके अगर ऐसा बोलता है तो बाहर क्या निकलता है? अंदर जो चीज भरा हुआ है वो बाहर निकला। हालेलुया। लेकिन प्रभु अंदर है, प्रभु अंदर है तो प्रभु का कार्य बाहर आएगा। प्रभु का अधिकार, क्षमा देने का अधिकार, प्यार करने का अधिकार, प्रार्थना करने का अधिकार आपको नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यीशु अंदर है तब आप क्षमा करेंगे। इसलिए लोगों ने एक घृणा की नदी यीशु की ओर बहाई, तो यीशु ने क्षमा और प्रेम का एक सागर अपने से निकाला। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको कभी नहीं बोलना है ये लोगों के कारण मेरे को गुस्सा आता है, नहीं है। वो लोग केवल आपके गुस्सा का टेस्ट करने वाले लोग हैं। आपके अंदर क्या चीज है टेस्ट करने वाले कुछ लोग आकर दबाएगा बीच बीच में अलग अलग रीति से। हालेलुया। कुछ बोलकर नोचेगा या कुछ करके करेगा, करे ही एक ही चीज है, अंदर क्या है वो आएगा बाहर। इसलिए यीशु ने कहा जो आपके अंदर है वो मुंह के द्वारा बाहर आता है, वही आपको अशुद्ध करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु आइए, वचन के द्वारा मेरे अंदर आइए। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 7:20 से ईसा ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, प्रगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, ये सब बुराइया भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए आपको ये नहीं बोलना है इन लोग हमको टेम्पटेशन दिया इसके कारण मेरा ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं मरने के बारे में सोचा। कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कई लोग उदास बैठते हैं, उदासी का शिकार हो गया, मूड ऑफ, मूड ऑफ। समझता है क्या है मूड ऑफ? जैसे कोई आकर स्विच डालेगा दो दिन के लिए मूड ऑफ, खुशी नहीं, आनंद नहीं, ऐसा है, बाकी लोगों पर निर्भर है। तो धीरे 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 स्विच ऑन हो जाता है, कोई आकर अच्छा बोला और अच्छा बोला तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तब आता है कोई और जाते समय फिर स्विच दबा कर गया, फिर गया। इसको कहता है छुई मुई, जो छूता है तो मुता है, सामने मुता नहीं मुई। हालेलुया। तो छुई मुई करके एक चीज है ना, टच मी नॉट प्लान, ऐसा एक कई लोगों में ऐसा होता है, तो इधर भी शायद होगा वो प्लान। कई लोगों का स्वभाव भी ऐसा है, अक्सर मूड ऑफ में, घर में मूड ऑफ है। हालेलुया। पहले जैसा मम्मी लोग मूड ऑफ होने पर भी खाना सब बनाते थे, आजकल नए नए मम्मी लोग खाना भी नहीं बनाया, मूड ऑफ स्ट्राइक है, घर में स्ट्राइक चल रहा है, क्योंकि पति पी के आया इसलिए ये जाकर सो गई, पूरा दिन सोई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों ये बातें बराबर चलती आ रही है घर में, और हम लोग क्या सोचते हैं उन लोग सब सुधर जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना बराबर क्या करता है, प्रभु जी हमारे पति को थोड़ा अच्छा करना जिससे हमारे घर में शांति आवे। कितनी बड़ी बेवकूफी प्रार्थना है मालूम है? शांति तुम्हारे पति के हाथ में नहीं दिया, शांति यीशु है, यीशु को आप स्वीकार करो आपको शांति आ जाएगी, आपकी शांति आपके द्वारा पति को भी मिल जाएगी। लेकिन हम क्या बोलता है, हमारा शांति पति के नशे के द्वारा खराब हुआ है, वो पति का नशा छूट जाए तो शांति घर में आ जाएगी, ऐसा नहीं है।
कभी नशा छूटने के लिए केवल प्रार्थना करने से नहीं होता, सबसे पहले ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता की खोज तुम करो, तुमको यीशु मिल जाएगा। यीशु शांति है, Ephesians 2:14, He is your peace, वो तुम्हारी शांति है, यीशु ही शांति है। हालेलुया। यीशु जब हमारे अंदर आएंगे तो पति नशा खाके भी आए हमको गुस्सा नहीं आएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब आपके अंदर है, आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, घृणा बाकी लोगों के कारण नहीं आएंगे। ये चीज हमको जानना है सबसे पहले, नहीं तो हम बाकी लोगों के लिए यूं ही प्रार्थना करके बैठता है, क्योंकि हम बोलता है यही हमारा प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा थोड़ा सा बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज भी ये चिल्लाते क्यों हैं, हमेशा क्यों उदास रहता है, हमेशा क्यों श्राप देता रहता है, बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करके रहता है? आपके अंदर अभी तक यीशु की शांति नहीं आई, इसलिए आप हमेशा डांटते चिल्लाते रहते हैं। बोले हालेलुया। आपके अंदर जब यीशु आएंगे जीवन बदलेगा। सबसे पहले ये चीज आना है आपके अंदर, यो बदला वो यीशु को स्वीकार करने से आ जाएगा, तब जाके आपके द्वारा यीशु काम करेगा। तुम सदा प्रभु में आनंद मनाना शुरू करो, तब तुम्हारे दिल की इच्छा एक एक करके पूरा होने लगेगा। नहीं, हम लोग क्या सोचता है, हमारी दिल की इच्छा पूरा होने दो तब हम आनंद मनाएगा, ऐसा नहीं है। साम स्तोत्र 37:4, स्तोत्र 37:4 हमको बहुत अच्छा लगता है। यह वचन इसको हम हमेशा हम शुरू में सिखाता था, आज भूल गया सिखाने को। वो वचन ऐसा है, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड, ही विल गिव यू डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। से हालेलुया। साम 37:4, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा से बोले हालेलुया। ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने में सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए, ईश्वर का राज्य का मतलब है आत्मा द्वारा आनंदित रहना। स्वर्ग में, ईश्वर के राज्य में संत लोग, स्वर्ग दूध मोड ऑफ में बैठता है, इधर क्या है, हर दिन स्तुति 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 स्तुति, कोई दूसरा कोई खेल कूद नहीं है, कुछ नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है, ये क्या है सोच के कोई नहीं बैठेगा, उधर पूरा आनंद है। प्रभु आनंद का स्रोत है। उन लोग क्यों आनंद मनाता है, उधर कंप्यूटर गेम है बोल के नहीं, प्रभु है इसलिए सब आनंद है। उधर हर दिन सुबह मीट मिलेगा और शाम को पनीर मिलेगा बोल के उन लोग आनंद नहीं मनाता है, बिरयानी है बोल के आनंद नहीं मनाता है। आनंद क्यों मनाता है, प्रभु है। जिसको प्रभु प्राप्त है उनको सब कुछ प्राप्त है। इसलिए ईश्वर का राज्य का मतलब है यीशु को पाना, वह ईश्वर का राज्य। ईश्वर का राज्य एक जगह केवल नहीं है, ईश्वर का राज्य एक व्यक्ति है। जीसस केम डाउन, वो हमारे बीच में आया और बोला ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। पहले कहीं और था, वो नीचे आया हमारे बीच में खड़ा हो गया और बोला ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। क्यों? वो जो बोलता है वो हमारे बीच में है। इसका मतलब ईश्वर का राज्य इज इक्वल टू वो व्यक्ति है। द किंगडम ऑफ गॉड इज इक्वल टू द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु ही ईश्वर का राज्य। बोलिए हालेलुया। यीशु है, आत्मा में आनंद मिलेगा। जहां यीशु है वहां पर आनंद है, जहां यीशु है वहां पर आनंद है। यीशु जब आ गया, मां मरियम बोलती है मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको ईश्वर मिलता है, ईश्वर प्राप्त होता है, वो हमेशा आनंदित रहेगा। इसलिए संत पौलुस बार बार बोलता है खुश रहना, सदा आनंदित रहना। संत पौलुस ने एक पत्र लिखा, कई पत्र लिखा, एक पत्र है
फिलिपियों के नाम लिखे पत्र, किसको? फिलिपियों के नाम लिखे पत्र। वो जब जेल में पड़ा था तब लिखा, जेल से लिखा हुआ एक पत्र है फिलिपियों के नाम लिखे पत्र। चार चैप्टर है, छोटा सा पत्र है। चार चैप्टर में 15 बार आनंद की बात कहता है, 15 टाइम्स बोलता है कुछ। उसमें क्लासिकल टेक्स्ट है 4:4, फिलिपियंस 4:4। वो कैसा है? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. वो 4:4 है। क्या 4:4 है? फिलिपियंस 4:4। बोले हालेलुया। हम लोग जब सेमिनारी में ज्वाइन किया था 91 में, सबसे पहले एक गीत हम सीखा था। उस समय मालूम नहीं था, एक वचन ने कर दिया। लेकिन कब गाता था? फीस्ट डे होता था, उस समय बड़ा खाना होता था। बड़ा खाने को देखते हुए हम लोग गाता था, क्योंकि हर दिन दाल मिलता है, आज चिकन है। हालेलुया। उस समय हम लोग अच्छा खाना मिलते समय गाता था। बाद में हमको समझ में आया, We have done a crime to that word of God. जब वास्तव में कब गाया गया था? जब खाना नहीं मिला था उस समय गाया था। जेल में पड़ा हुआ आदमी खूब पिटाई मिला खाने के लिए, उस समय गाता है Rejoice in the Lord always, गाता था। हालेलुया। आप लोग सदा आनंदित रहना प्रभु में, ऐसा गाया था 15 बार वो आदमी बोला। आपको प्रसन्न रहना है। तसलोनिकियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 5:16 से लिखा है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि आपके बारे में ईसा मसीहा के अनुसार ईश्वर की इच्छा यही है। This is the will of God concerning you in Christ Jesus. This is the will of God. जहां पर will of God पूरी होती है वहां पर ईश्वर का राज्य है। ईश्वर का राज्य मतलब जहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की इच्छा क्या है? आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। इसलिए ईश्वर के राज्य में जाने वालों को, ईश्वर के राज्य की खोज करने वालों को सबसे पहले खुश रहना, प्रसन्न रहना सीखना है। हम लोग सोचता है हाँ चंगाई मिलने दो ना तो प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। चंगाई प्रसन्नता से निकलती है, चंगाई से प्रसन्नता नहीं निकलती है। चंगाई से निकलने वाली प्रसन्नता 2 दिन तक रहेगी, अगले दिन दूसरा बीमारी आएगा, चले जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु से निकलने वाली प्रसन्नता जब आपको मिलती है तब बाकी सब यूं ही मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर का राज्य है। बोलिए आमीन। हालेलुया। इस राज्य के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए प्रभु हमारा आनंद है, प्रभु हमारी शांति है। बोलिए प्रभु हमारा आनंद है, प्रभु हमारी शांति है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाकर उनके चेहरे पर देख के मुस्कुरा के बोलना, आपको हमेशा खुश रहना होगा, क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है। बोलो, आपको हमेशा खुश रहना होगा। बोलिए, बोलिए, सबको बोलिए। हबक्कूक 3:17। इस समय वेदी पर मिसा की तैयारी कीजिए। आप लोग इसमें हबक्कूक चैप्टर 3:17-19 वर्ड्स, ये 14 नंबर गीत, 14 वचन है। वेदी पर तैयारी कीजिए, मिसा बलिदान की तैयारी जल्दी से कीजिए। इसलिए हबक्कूक के ग्रंथ में नबी हबक्कूक बोलता है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं है। मेरे जीवन में कुछ अंजीर का पेड़ था, मैं काफी समय से कोशिश करता था इसमें कोई फल मिलेगा, लेकिन मेरे सारे अंजीर के पेड़ कोई फल नहीं देता। बोले हालेलुया। जैतून की फसल कम से कम इस साल मिलेगा सोचा था, वो भी निराश किया।
जैतून की कोई फसल नहीं मिला। खेतों में बहुत मेहनत करके खेती किया था, लेकिन पूरा तूफान आंधी ओला गिरा, खेत खाली हो गया। इस बार खेत में अनाज भी नहीं है। सोचा था कम से कम भेड़ बकरी तो है, लेकिन क्या हो गया, रात में कोई आया कुछ चोरी करके ले गया, बाकी कुछ मुर्गा मुर्गी रह गया। वो तो एक बीमारी ऐसी आ गई पूरे घाव का, पूरे मुर्गा मुर्गी को लेके गया, मुर्गा भी चले। भेड़ बकरियों की संख्या कम हो गई, बाड़ों में गाय भाई भी नहीं रहा। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धार को ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। तब भी कब बोले हल्लेलुया, बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ईश्वर के कारण हम आनंद मनाएंगे, प्रभु के कारण आनंद मनाएंगे। भले ही अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं है, दाखबारियां नहीं फलती है, जैतून की फसल भी निराश करती है, खेतों में अनाज भी नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम भी हो गई, घर में शराब अभी तक खत्म नहीं हुआ, बीमारी अभी तक चंगाई भी नहीं मिला, बच्चे की शादी अभी तक नहीं हुई, बेटी की शादी होके अभी बच्चा भी नहीं हो रहा है, घर में तकलीफ तो खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी तक बैंक का कर्ज तो चुका भी नहीं पाया, फिर भी मैं प्रभु में आनंद मनाता रहूंगा। इसी को कहता ईश्वर का राज्य। बोले हालेलुया। परेशानियां आकर हमको ऐसे दबाएंगे, लेकिन हमारे अंदर से आनंद और स्तुति धन्यवाद निकल के आएगा। हम कभी मृत्यु की शब्द नहीं बोलेंगे, मर जाऊंगा करके नहीं बोलेगा, हम धमकी नहीं देगा, तेरे कारण ऐसा हो गया, तुझसे जब से शादी हो गया तब से मेरा जीवन बर्बाद हो गया करके निराशा का शब्द, श्राप का शब्द कभी नहीं बोलूंगा। जब से तू पैदा हुआ तब से विपत्ति ही विपत्ति करके बच्चे के ऊपर हम नहीं बोलेगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।